तो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ आसमान टूर। साथ मतलब के घर के साथ हाजिर हूँ आप सबके स्क्रीन के ऊपर। मौजूद हूँ बैरी टाउन रावलपिंडी फेस 8 अबू बकर ब्लॉक में। ये हमारे पास सात मरला का घर है जिसकी डिमांड 2,80,00,000 है। इसमें हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। एलिवेशन आपने देख लिया, एलिवेशन में कुछ खास नहीं था लेकिन आपको दिखाना काफ़ी ज़रूरी है। ये पूरे घर का आपको इंशाल्लाह विजिट करवा देते हैं। सात मरला का घर है अबू बकर ब्लॉक बैरियर टाउन फेज 8 रावलपिंडी में, जिसकी डिमांड 2,80,00,000 है। खूबसूरत कीमत है इसकी, एज पर द लोकेशन बिल्कुल ठीक है, रिजनेबल है, मटेरियल बहुत अच्छा यूज हुआ हुआ है। ये इसका टीवी लाउंज और ये आप देख सकते हैं वेंटिलेशन विंडो और इसके साथ साथ ये टीवी वॉल फ्रेम आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ मजीद कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट मास्टर बेडरूम की तरफ एंटर होते हैं। यह हमारा फर्स्ट मास्टर बेडरूम आ जाता है। खूबसूरत सीलिंग है, कैबिनेट्स दीवार के अंदर ही हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। कुछ कमरों में, कुछ घरों में ये होता है कि अलमारियां बाहर होती हैं जिसने एरिया कवर किया होता है। ये खूबसूरत सा खुला कुशादा खूबसूरत सा वॉशरूम आ जाता है इसमें, जिसमें शावर वाले साइड अलग है। ये देख रहे हैं आप, खूबसूरत मटेरियल और सैनिटरी का इस्तेमाल हुआ हुआ है। और ज़रा सी अगर कोई बात करूँ तो ये कि हम ज़रा सी वीडियो तेज़ चलाते हैं, चूँकि कुछ लोग होते हैं जो कि ज़्यादा लंबी नहीं देख सकते तो हम शॉर्ट शॉर्ट उनको दिखाते हैं आइडियाज़ के लिए। सेकंड मास्टर बेडरूम के अंदर हम एंटर होते हैं। वेंटिलेशन विंडो आ जाती है, खूबसूरत सिंपल सी डिसेंट सी हमारे पास सीलिंग और ये उसमें हमारे पास कैबिनेट्स आ गई और इसी के साथ ये अटैच वाशरूम आ गया हमारे पास। अटैच वाशरूम में कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ आप समझ लें अभी उसमें काम बाकी है। ये आप देख सकते हैं शावर वाली साइड अलग है। इसके साथ साथ मजीद चीज़ों को भी इंशाल्लाह देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। ये आप देख रहे हैं इस वक्त हमने दो बेडरूम कवर कर ली है। थर्ड बेडरूम की तरफ एंटर होते हैं, सॉरी थर्ड नहीं, बाहर पोर्शन की तरफ आ जाते हैं। चूंकि सात मरले का घर है तो नीचे दो बेडरूम है। ये हमारे पास ओपन किचन देखने को मिलता है, उसमें खूबसूरत कैबिनेट्स इसमें लगी हुई आप देख सकते हैं। कुछ हद तक ग्रेनाइट का काम हुआ हुआ है, ये आप सब देख लें जी। और जो कबर्ड्स हैं, कैबिनेट्स हैं, वो खूबसूरत हैं और A+ क्वालिटी का चिपबोर्ड इसमें यूज़ हुआ हुआ है। ठीक है जी, ये इस तरफ आप देख सकते हैं, ये खूबसूरत जगह, इसमें रेफ्रिजरेटर भी आप आसानी से और आराम से रख सकते हैं। ये सामने ड्राइंग रूम था, पार्टीशन आप कर सकते हैं। ये पाउडर रूम आ जाता है स्टेयर्स के नीचे, आपको दिखा देते हैं। ये देख लें आप, खूबसूरत डिज़ाइन में तैयार कर दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं अपर पोर्शन की तरफ। ये हम अपर पोर्शन की तरफ जा रहे हैं। सफाई अभी नहीं हुई, आप देख सकते हैं डस्ट अभी काफ़ी पड़ी हुई है। जस्ट आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का घर है। और इसकी दोबारा बता दूं, लोकेशन अबू बकर ब्लॉक बैरी टाउन फेज 8 रावलपिंडी, सात मरला का घर है जिसकी डिमांड 2,80,00,000 रुपए है। ये मजीद आगे चल के ये देखें, ये हमारा अपर पोर्शन का टीवी लाउंज आ गया। खूबसूरत देसी किस्म के आप इसमें देख लें, फैंस लगे हुए हैं। ये वेंटिलेशन विंडो इसकी आ गई, सामने ओपन किचन आ गया। इसके साथ ओपन किचन को ज़रा देख लेते हैं। खूबसूरत फ्लोरिंग हुई हुई है, खूबसूरत सीलिंग हुई है येलो शेडेड रंग्स में। ये फर्स्ट मास्टर बेडरूम की तरफ एंटर होते हैं। ये आप देख सकते हैं खूबसूरत से तैयार किया गया, डिसेंट सा। कुछ घर वो होते हैं जो ऑलरेडी बहुत ही फर्निश किस्म के होते हैं, जिसमें इंसान, कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ को नहीं आता। तो ये इसमें यह होता है कि आप अपनी मर्जी की फिर एडिशन कर सकते हैं। अटैच वाशरूम आप देख रहे हैं इस वक्त। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पर आपको इस तरह के खूबसूरत घर दिखाते रहते हैं। कुछ खूबसूरत होते हैं, कुछ आप समझ लें बस गुजारे हाल, और फार्म हाउसेज भी हमने आपको दिखाए हैं, वो भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एक डिज़ाइन आइडिया मिल सके। ये ओपन किचन की तरफ आ गया हूँ जी। ओपन चिकन आप चिकन बोल रहा हूँ, ओपन किचन आप देख रहे हैं। ये वेंटिलेशन विंडो इसमें आ जाती है, एग्जॉस्ट फैन इसमें आ जाता है। आगे मजीद देख सकते हैं, शेल्फ है, टीवी वॉल फ्रेम है। ये सेकेंड मास्टर बेडरूम है, सिंपल सी डिसेंट सी सीलिंग है, कुछ लाइट्स इस वक्त ऑफ हैं। और कैबिनेट्स आप देख रहे हैं खूबसूरत दीवार के अंदर ही फिटेड हैं। और ये उसका वॉशरूम आ चुका है आपके सामने। और गिफ्ट थंब्स, ठीक है जी, हमारे वीडियोस को ज़रा लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि किसी हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि अपना घर बनाओ। तो एटलीस्ट अगर घर खरीदते नहीं कोई तो उसको एक डिज़ाइन आइडिया मिल जाता है कि सात मरला का या 5 या 10 22 20 मरला का घर किस तरह बन सकता है। ये देख सकते हैं डबल वेंटिलेशन विंडोज़ इसमें आ गई, खूबसूरत वॉल फ्रेम्स इसमें आ गई वुडन टाइप में। और ये इसके साथ ही हमारे ड्रेसिंग रूम आ जाता है, और इसके टच पर वॉशरूम आ गया। वॉशरूम इसका बहुत खुला सा है, खूबसूरत सा, जिसमें आप देख सकते हैं। और शावर वाले सिस्टम साइड पे किया रखा गया है। ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन होता है हर एक वॉशरूम में, हर एक घर में। मैं रिकमेंड करता भी हूँ और आपको कहता भी हूँ कि इस तरह का करें। ये एक बहुत अच्छी सी लुक देता है, एक आप समझिए लग्जरी सी फीलिंग देता है बंदे को। गैलरी में हम आ गए हैं, गैलरी आप देख सकते हैं। फ्रंट एलिवेशन मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखा दी है, ये आप देख लें।
बेसिकली हम जब घर दिखाते हैं तो उसमें एम्पायर वाला इलाका ज्यादा इसलिए दिखाते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि बेसिकली घर जो है ये आया एक अकेला कि चंद एक दो घर बने हुए हैं पूरे ब्लॉक में या फिर आसपास पूरा एक माहौल है, पूरा एक कम्युनिटी आबाद है, पूरा ब्लॉक आबाद है। वो हमारा मकसद ये होता है। फिर इससे बढ़कर एंड में हम रूफ टॉप पर जाते हैं ताकि हम आपको एरियल व्यू दिखा सकें 360 डिग्री व्यू, ताकि आप मजीद क्लियर हो जाएं कि आया ये घर एक आबाद इलाके में है या एक सुनसान इलाके में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इससे देखें आप जो बंदा घर बनाता है या जिसमें रहता है तो जाहिर सी बात है अपनी फैमिली को लेकर आता है, उसको चाहिए होती है प्राइवेसी, उसके साथ सिक्योरिटी, जो जगह आबाद हो। तो बहरिया में आपको तमाम इस तरह की चीज़ें और सहूलियात आपको मिल जाती हैं। एंड में चलते चलते आपसे अगेन एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ व अकारब रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे डिज़ाइन आइडिया ले सकें या कल को वो भी इस तरह के खूबसूरत घर बना सकें। हम आप सबके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक हर इंसान को, हर एक मुसलमान को, हर एक मोमिन को इस तरह खूबसूरत घर बनाने की और मालिक बनने की तौफीक दे। मिलूंगा अगली स्क्रीन में। अल्लाह हाफिज़।